हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिले के गिरवा कस्बे में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने पड़ोसी के घर में घुस गया और माँ बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी और स्वयं को भी गोली मार ली। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग घटनास्थल पहुंचे, जहां एक साथ 3 लाशें लेकर दहशत में आ गए। इस घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक ने मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का बताया है। घटना गिरवा थाना क्षेत्र के कस्बे की है। घटना की जानकारी मिलने पर चित्रकूट धाम परिक्षेत्र के DIG दीपक कुमार, SP गणेश प्रसाद साहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गिरवा थाना क्षेत्र के कुछ दूरी पर स्थित कालिका देवी मंदिर के पीछे नई बस्ती का रहने वाला युवक सुधांशु मिश्रा सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाले फूलचंद के घर पहुंचा। घर के अंदर पहुंचते ही उसने फूलचंद की पत्नी तुलसा पर सीधे तमंचे से फायर कर दिया। गोली उसके सीने में लगी और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर उसकी बेटी अंजू भी पहुंची। युवक ने उसे भी निशाना बनाते हुए गोली मार दी। दोनों माँ बेटी गोली लगने के बाद वहीं तड़पने लगी और पल में ही उनकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। गांव के लोग फूलचंद के घर की तरफ दौड़े, तभी सुधांशु ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे वह खून से लथपथ होकर चारपाई में गिर पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। उसने अपनी कनपटी में गोली मारी। गोलियों की आवाज सुनकर दहशत में आए लोग हिम्मत करके फूलचंद के घर पहुंचे तो दंग रह गए। एक साथ 3 लाशें पड़ी थी। इस बीच अपने खेत में काम कर रहा फूलचंद घटना की जानकारी मिलने पर घर पहुंचा तो पत्नी और बेटी के शव को देखकर रोने लगा। बताते हैं कि सुधांशु रविवार को भी फूलचंद के घर पहुंचा था और गाली गलौज की थी। ग्रामीणों के मुताबिक युवक सिरफिरा था, वह आए दिन लोगों से झगड़ा करता रहता था। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। देखिए, यहाँ जब मौके पर पुलिस आई तो सूचना मिली थी कि एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई और एक और डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो यहाँ लोगों से बातचीत हुई है, अंदर हमारे FSO की टीम है। प्रथम दृष्टया ये देखा है कि जो युवक थे उन्होंने दोनों की गोली मार हत्या कर दी और स्वयं को भी गोली मार लिया है। अभी थोड़ी जाँच चल रही है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हमारी FSL की टीम यहाँ लगी हुई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी कारण है इसके पीछे और चीजें सब सामने आ जाएगी और उसी का तरफ हमें आगे की वैधानिक कार्रवाई पूछताछ हो रही है। लोगों की बात हो रही है, FSL टीम से भी हमारी बातचीत हुई है। ये लग रहा है कि युवक ने ही दोनों को मार के स्वयं को मार लिया है और इसके पीछे जो कारण दिख रहे हैं तो वो प्रेम प्रसंग वाले आ रहे हैं, लेकिन अभी हम कोई चीज निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। प्रथम दृष्टया मामला पुलिस की जांच पे पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि अंदर कुंडी बंद थी और प्रकरण क्या है, अभी तो कप्तान महोदय भी आए थे, DIG महोदय भी थे, पूरा पुलिस प्रशासन है और इसमें प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार का कोई हम कमेंट करें जानकारी नहीं है। अभी तो बॉडी पैक है, एक दो दिन में प्रॉपर समय से सारी चीजें हो रही है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जनपद के सभी शिवालय हर हर महादेव व बम बम भोले के उद्घोष से गूंज उठे। वहीं शहर के सुप्रसिद्ध बाम देवेश्वर मंदिर में सवेरे से ही जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहा, जिन्होंने कतारबद्ध होकर पहाड़ की गुफा में विराजमान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्रावण मास में भगवान शिव का विशेष महत्व है। इस महीने प्रतिदिन शिव भक्त भोले बाबा पर जलाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। बांदा शहर में बाम देवेश्वर पहाड़ में भगवान शिव पहाड़ की गुफा में विराजमान है, जहां सोमवार को मंदिर में शिव भक्त उमड़ पड़े जो बम बम भोले का उद्घोष कर रहे थे।
ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों व ट्रांसपोर्टरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र प्रेषित किया। इसमें कहा गया कि बांदा जिले में मोरंग बालू व गिट्टी के ट्रक निर्धारित भार क्षमता से अधिक अवैध परिवहन व पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से ओवरलोड ट्रकों का संचालन कराके मुख्यमंत्री द्वारा ओवरलोड पूर्णता प्रतिबंध कराने के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके फलस्वरूप वैधानिक तरीकों से खनिज परिवहन कर रहे ईमानदार मोटर मालिकों का रास्ता खर्चा, गाड़ियों के रखरखाव, डीजल व कर्मचारियों का वेतन निकालना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण मजबूरी का रास्ता मरता क्या न करता की तर्ज पर ओवरलोड चलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, इसलिए ओवरलोड चलाने को विवश है। ज्ञापन में मांग की गई कि ओवरलोड रोकने के लिए मोटरसाइकिल एक्ट की धारा 199 में वर्णित नियमों के अनुसार क्रेशर मालिक पट्टा धारकों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। यदि कोई कंपनी वाहन के भार क्षमता से अधिक माल देती है तो ऐसी कंपनी के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही के तहत पट्टे व डंप निरस्त किए जाएं। इसकी जांच के लिए जनपद की सीमाओं में चेकपोस्ट की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि महोबा जनपद में लोडिंग स्थल से ओवरलोड ट्रक माल लोड करके चलते हैं। कबराई बैरियर में 2,000 रूपए ओवरलोडिंग पर तथा 5,000 रूपए बगैर प्रपत्र के ट्रक की निकासी होती है। इसके लिए 5,000 रूपए प्रति ट्रक मासिक पुलिस को भी दिया जाता है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और मध्य प्रदेश से लोड व वैधानिक प्रपत्र लेकर आने वाली गाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा रोका न जाए। यदि ट्रक पुलिस रोकती है तो हम ट्रांसपोर्टर आंदोलन करेंगे। आज हम डीआई साहब से यहाँ मिलने आए थे। इसके पूर्व हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे हैं कि जो पुलिस संबंधित प्रकरण बिंदु नंबर 4 और 5 है उस संबंधित डीआई साहब से मिलने आए। क्या कहा? डीआई साहब नहीं मिले, उनके पीआर साहब ने कहा टाइम लेके जब आएंगे। मेरी गाड़ी रॉयल्टी में होने के बावजूद भी मटाउन थाना के परिसर में बॉर्डर में गाड़ियां रोकी जा रही हैं। रॉयल्टी खनन अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है रॉयल्टी पे निकालिए, अंडरलोड निकालिए। मैंने अंडरलोड गाड़ियां सारी जो ओवरलोड थी मानक से विपरीत, तो हमने उनको ओवरलोड को अंडरलोड गाड़ियां सारी कराई, अंडरलोड रॉयल्टी भी ली। उन्होंने कहा सेकंड रॉयल्टी ले लीजिए, मैंने सेकंड रॉयल्टी ली। सेकंड रॉयल्टी लेने के बाद खनन महोदय साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। साहब को ज्ञापन देने आए थे, पीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, कप्तान साहब को भी दिया है। अवैध वसूली हो रही है, ट्रकों में ओवरलोड भारी ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं। यहाँ जो है माना कि ओवरलोडिंग जो है, मतलब चाहते भी हैं हम लोग कि जो है ओवरलोडिंग न हो, अंडरलोड चले, लेकिन इसके बाद भी बाहरी गाड़ियों की वजह से नहीं चल पा रहे हैं। और हम डीआईजी साहब के यहाँ ओवरलोड बंद करवाने प्लस पुलिस की उगाही के संबंध में। संस्था की सह समन्वयक डॉक्टर शबाना रफीक ने कहा कि इंटेक के अंतर्गत हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं हम उनका संरक्षण और जागरूक करते हैं। हेरिटेज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों की पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता वाटर माय हेरिटेज पानी की कहानी आयोजित की गई थी, जिसमें 400 बच्चों को आज सम्मानित किया गया। हमारे छोटे छोटे होनहार बच्चों ने आने वाले कल के जल संकट को लेकर 8 मिनट का नाट्य मंचन, जिसमें पानी के संकट से शारी टूटने, बाजार में बूंद के भाव पानी बिकने जैसे संकटों का पूर्वानुमान लगा अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पानी के कम हो रहे पुराने स्रोतों को चिन्हित कर उन्हें पुनः जिंदा कर विकसित करना है। बांदा की बागे, केन, यमुना नदी और पुराने नवाब टैंक पर हमें ध्यान देना होगा। समन्वयक हारिस जमा ने बताया कि आज हमारे बच्चे आने वाले कल के जल संकट के लिए एकत्र हुए हैं। यह इंटेक के लिए बहुत गर्व की बात है। हम आगे भी बच्चों को उनकी धरोहरों से जोड़कर रखने का काम करेंगे। 2 फरवरी को इंटेक द्वारा अलग अलग स्कूलों में आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागी बच्चों के आज हुए सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, इंटेक समन्वयक हारिस जमा, सह समन्वयक डॉक्टर शबाना रफीक समेत 500 से ज्यादा लोग शामिल रहे। इंटेक की ओर से राष्ट्रव्यापी एक पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित पूरे राष्ट्र भर के चैप्टर्स में की गई थी, वाटर माई हेरिटेज और पानी की कहानी, जिसमें उस क्षेत्र के उस जिले के बच्चों को अपने अपने जिले के जल संग्रह को चिन्हित करना था, पहचानना था और उनमें जल संरक्षण कैसे करें। 2 फरवरी 2019 को ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 400 बच्चों ने बांदा के विभिन्न स्कूलों से भाग लिया था, जिसमें सेंट मैरीज की ओजल धाकड़ कक्षा 8 की रीजनल विनर है, क्षेत्रीय विजेता है, और बाकी सभी 400 बच्चों को
प्रतिभागिता प्रमाण पत्र या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्ट डिप्टी रेंजर पर कार्यवाही करते हुए 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में देवेंद्र रेकवार ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि दीपक अहिरवार, जो कि दक्षिण वन मंडल की ढाना रेंज में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ हैं, इस शिकायत पर आज कार्यवाही करते हुए दीपक अहिरवार को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में डिप्टी रेंजर दीपक अहिरवार को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी बनाकर न्यायालय भेजा गया, जिसका हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने पर सही पाया और सही पाए जाने के पश्चात आज टेप की कार्रवाई आयोजित की गई और आज हमने उनको 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 25,000 रुपये जो है सर मांग थी सर, क्या था तेंदुपत्ता संग्रह का पेमेंट बकाया था तो उसमें 29,150 की दी का पैसा 12,075 रुपये से लेना है, ठीक है। तो उसमें सर हमने कहा कि सर पेमेंट हो जाए, वहाँ पेमेंट करवा दिया, उसमें 25,000 रुपये क्रिस्ट कर दो,